समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान एवं प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के निर्देशन पर 11 जुलाई को जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत के चुनाव में सपा द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बड़े स्तर पर धांधली अलोकतांत्रिक रवैया और खुलेआम भ्रष्टाचार के विरोध में समाजवादी पार्टी ब्लॉकवार प्रदर्शन करेगी। साथी मैं रामधारी सिंह यादव अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जनपद गाजीपुर। 11 तारीख का जो कार्यक्रम है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के निर्देशानुसार और माननीय प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के आह्वान पर यह कार्यक्रम प्रदेश व्यापी ब्लॉकवार आयोजित किया गया है। यह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो लोगों को प्रताड़ित किया गया है, गलत ढंग से जीत और हार हुई है, इसको उजागर करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। आपके सामने आप जनपद की नजीर देख रहे हैं कि हमारे विजय यादव प्रमुख के प्रत्याशी हैं मर्दर के, वो पर्चा न भरने पावे, इसको रोकने के लिए उन पर मुकदमा करने की तैयारी हुई। उनके घरों की पैमाइश लगातार 2 दिन तक तो कराई गई, उनको इतना धमकाया गया और इतना प्रताड़ित, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया कि वो प्रत्याशी बनने से अपने को रोकें, पर्चा न खरीदें। पर्चा खरीद लिया तो पर्चा भरने न पावे, इसके लिए भी वो व्यवस्था कर दे कि इनको किसी से रोका जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के दबाव में उसमें सफल नहीं हो पाए। ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। बिरलों में हमारा कार्यकर्ता पर्चा क्रय करने गया, उसको भाजपा के प्रत्याशी गुंडे के बल पर भीड़ इकट्ठा करके दूर हटा दिया और प्रशासन मूक रहा। कोई इतनी बड़ी दुर्व्यवस्था थी कि जब मैं बिरलो ब्लॉक पर पहुंचा तो मैं यही सवाल किया कि कैसे राइफल और गाड़ियां लेकर के ये ब्लॉक के परिसर में आ गए। वो सत्ता पार्टी का प्रत्याशी है तो इसका क्या मतलब उसको छूटे गुंडे करने का, और हमारा प्रत्याशी 11 बजे से खड़ा है, उसको अब तक पर्चा नहीं दिया गया, का समय खत्म हो गया है। मैं कहा कि समय नहीं खत्म हो गया है, हमारा साथी खड़ा है लाइन में, वो लेकर जाएगा। जब संघर्ष हुआ तो 5:30 बजे पर्चा मिला। और अभी ये हमारे सदर ब्लॉक का प्रत्याशी अक्षत प्रजापति, जिसकी माता मोहरा देवी चुनाव लड़ रही है, उसके ऊपर फर्जी मामला अपहरण का दर्ज किया गया है। यह तो 10 तारीख को सब साफ हो जाएगा, अपहरण नहीं है, ये तो फर्जी मामला बनाया गया है। ये भाजपा के लोग अपहरण करते हैं और सपा के लोगों को नामजद करते हैं, ये सब फर्जी है, ये भ्रष्टाचार है। इस सरकार में जितना भ्रष्टाचार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हुआ है, साथ ही कभी चुनाव में ऐसा नहीं हुआ, संविधान का गला घोट दिया गया है। इसीलिए इसको उजागर करने के लिए, भ्रष्टाचार को बताने के लिए, आम जन तक पहुंचाने के लिए ब्लॉकवार और पूरा प्रदेश व्यापी ब्लॉकवार धरना प्रदर्शन का आयोजन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार आयोजित किया गया है।